वेलकम टू करियर पॉइंट सर जी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इनकम टैक्स की गणना करना सीखेंगे। इनकम टैक्स हमें किस नियम से पे करना चाहिए, पुराने नियम से या नए नियम से? इनकम टैक्स में छूट पाने के लिए हमें कहाँ निवेश करना चाहिए? इनकम टैक्स से जुड़ी सारी जानकारी हम आज की इस वीडियो में साझा करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, वर्तमान में टैक्स पे करने के दो नियम हैं, एक पुराना नियम और एक नया नियम। तो आपको किस नियम से टैक्स पे करना है, यह आपके इन्वेस्टमेंट और आपकी सैलरी पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम 15,000 भर्ती में ज्वाइन करने वाले टीचर्स के टैक्स की गणना करते हैं। 15,000 भर्ती में ज्वाइन करने वाले टीचर्स का जो वर्तमान में मूल वेतन है वो 41,100 रुपये है, जबकि मार्च 2021 में मूल वेतन 39,900 था। तो बेसिक शिक्षा विभाग में जो टैक्स की गणना की जाती है वो मार्च से लेकर फरवरी तक की जाती है। तो सबसे पहले हम मार्च से लेकर फरवरी 2022 तक के वेतन की गणना करते हैं कि आपकी टोटल सैलरी कितनी बनती है। तो सबसे पहले हम मार्च की सैलरी देखते हैं। मार्च में मूल वेतन 39,900, महंगाई भत्ता 17% की दर से 6,783, मकान भत्ता ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से 1,340। अगर आपका शहरी क्षेत्र का भत्ता है तो वो कैलकुलेशन आप अपने अनुसार कर सकते हैं। तो टोटल बनता है ये 48,023 रुपये। अगर आपकी NPS कटौती होती है तो वो कटौती होगी 4,668। एडवांस टैक्स के हमने शो किए हैं 500 रुपये। GIS कटौती 87 रुपये की। तो टोटल कटौती बनी है 5,255। खाते में क्रेडिट 42,768 रुपये। तो आपकी अप्रैल की, मई की और जून की चारों महीने की सैलरी सेम थी, क्योंकि उस टाइम DA फ्रीज था। अब हम जुलाई की सैलरी देखते हैं। जुलाई 2021 में वेतन वृद्धि लगी, तो यहाँ पर आपका मूल वेतन हो गया 41,100 रुपये और महंगाई दर 17% के अनुसार 6,987। हालांकि जुलाई में ये महंगाई दर बढ़नी थी लेकिन सरकार ने आदेश नहीं किया था, तो यहाँ पर हमारी सैलरी बनी 49,427 और खाते में क्रेडिट 44,031 रुपये। अब हम अगस्त की सैलरी देखते हैं। अगस्त में सरकार ने आदेश कर दिया था 28% DA का, तो यहाँ पर हमारी सैलरी बढ़ गई और DA बढ़ गया 11,508 रुपये। तो टोटल सैलरी हो गई हमारी 48,100 रुपये। तो यही सैलरी हमारी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक, नवंबर तक हमारी सैलरी सेम, क्योंकि DA 28% था। इसके बाद दिसंबर महीने में सरकार ने आदेश किया और DA 28 से बढ़ाकर 31 कर दिया, तो यहाँ पर हमारा महंगाई हो गई 12,741 रुपये। टोटल सैलरी हो गई 55,181 रुपये। खाते में क्रेडिट 49,210 रुपये। तो यही हमारी सैलरी जनवरी 2022 की रहेगी और यही रहेगी फरवरी 2022 की। इसके बाद हम देखते हैं बोनस। तो वित्तीय वर्ष 2020-21 का जो बोनस 6,908 रुपये, उसके बाद जो हमारा DA बकाया है 17 से 28% जुलाई महीने का, तो ये बनता है 4,521 रुपये। और दूसरा DA 28 से 31% का जो जुलाई से नवंबर तक का बनता है, ये बना है हमारा 6,165 रुपये। तो अब हम टोटल सैलरी देखते हैं। 6,22,854, उसके बाद 6,908 और ये 4,521 और 6,165। तो जब हम टोटल कैलकुलेशन करते हैं तो टोटल सैलरी बनती है हमारी 6,40,448 रुपये। NPS कटौती
60,677, एडवांस टैक्स 5,000 रुपये, GIS 1,044 रुपये, टोटल कटौती 66,721 रुपये। तो अब हम अपने इनकम टैक्स का आकलन करते हैं। सबसे पहले हम सेविंग देखते हैं कि हमारा कितना इन्वेस्टमेंट है। तो अगर आपका GPF में है तो यहाँ पर आप लिख देंगे PPF का जो अमाउंट है, अगर आपने PPF में इन्वेस्ट किया है तो यहाँ पर आप लिख देंगे। इसी तरह GPF, PPF, GIS, LIC और ट्यूशन फी, ये सारे 80C के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो भी टोटल वैल्यू होगी वो आप यहाँ पर लिख देंगे। 80C के अंतर्गत आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 1.5 लाख तक है। 1.5 लाख तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपकी NPS कटौती होती है तो ये सीमा बढ़कर 2 लाख हो जाती है। तो यहाँ पर जैसे हमारी NPS कटौती होती है तो ये सीमा बढ़ के हो जाएगी 2 लाख रुपये। 2 लाख तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आपकी NPS कटौती होती है। अगर कटौती नहीं होती तो आपकी सीमा रहेगी 1.5 लाख तक। इसके अतिरिक्त 80D में आप जो हेल्थ पॉलिसी होती है 25,000 की छूट वहाँ मिलती है। अगर आपके पास कोई हेल्थ पॉलिसी है तो वह आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। 80G प्रधानमंत्री राहत कोष या CM राहत कोष में आप कितना भी दान कर सकते हैं तो वो अमाउंट आप यहाँ लिख देंगे। उसके बाद जो टोटल वैल्यू होगी वो आप यहाँ लिख देंगे। तो ये आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 61,721 रुपये। अब हम टैक्स की गणना करते हैं पुराने नियम के अनुसार। तो यहाँ पर ग्रोथ सैलरी 6,40,448 लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो इसके 50,000 माइनस होते हैं। ये केवल सैलरीड पर्सन के लिए है, बिजनेसमैन के लिए ये नहीं होता। उसके बाद लेस HRA, तो यहाँ पर HRA माइनस कर देंगे 16,080 रुपये। उसके बाद हाउस लोन इंटरेस्ट, अगर आपका कोई हाउस लोन है तो उसका इंटरेस्ट भी हम माइनस कर देंगे। तो ये तीनों कटौती करने के बाद जो हमारा बैलेंस इनकम बचेगी वो 5,74,368 रुपये बचेगी। अगर आपकी कोई अदर इनकम है तो वो आप यहाँ पर शो कर देंगे। टोटल इनकम 5,74,368 रुपये, इसमें से हमारा इन्वेस्टमेंट माइनस होगा। हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है 80C के अंतर्गत या हमारा NPS में है या कोई अदर इन्वेस्टमेंट है तो वो इन्वेस्टमेंट हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो इन्वेस्टमेंट माइनस करने के बाद टैक्सेबल इनकम बनती है हमारी 5,12,647 रुपये। इस 5,12,647 पर हमारा टैक्स बनेगा। तो अब हम टैक्स स्लैब देखते हैं। 2.5 लाख तक 0, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% और 5 लाख से 10 लाख तक 20%। तो यहाँ पर हमारा टैक्स बना 15,029 रुपये। उसके बाद हम देखते हैं रिबेट अंडर सेक्शन 87A। 87A के अंतर्गत छूट तब मिलती है जब हमारी टैक्सेबल इनकम 5 लाख या 5 लाख से कम हो। लेकिन यहाँ पर हमारी टैक्सेबल इनकम जो है 5,12,647 है। तो ये इनकम अगर हमारी कम होती तब हमें 12,500 की अतिरिक्त छूट मिलती है। तो आपके पास दो ऑप्शन है। आप चाहे तो अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं, PPF में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, FD ले सकते हैं, NSC ले सकते हैं या कहीं और भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपकी ये वैल्यू 5 लाख से कम हो जाएगी तो आपको 12,500 की छूट मिलेगी और आपका टैक्स 0 हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा जो बैलेंस टैक्स है वो 15,029 है। इस पर 4% सरचार्ज लगता है, तो सरचार्ज हो गया 601 रुपये। टोटल हमारा टैक्स हो गया 15,630 रुपये। इसके बाद हम देखते हैं रिबेट अंडर सेक्शन 89। अगर आपका कोई पिछले साल का एरियर इस साल आया है, चाहे वो 1 साल पहला हो या 2 साल पहला हो, तो उसमें आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है, फॉर्म 10E। तो आपको यहाँ उसकी रिबेट मिल जाती है। तो यहाँ पर हमारा टैक्स हुआ 15,630 रुपये, एडवांस टैक्स 5,000। तो हमारा जो हमारा बाकी टैक्स पे करना होगा वो 10,630 रुपये और पे करना होगा। अब हम नए नियम के अनुसार टैक्स की गणना करते हैं।
तो यहाँ पर हमारी जो ग्रोथ सैलरी है वो 6,40,448 है। नए नियम के अनुसार टैक्स में कोई छूट नहीं मिलती, आपने चाहे कितना भी इन्वेस्टमेंट कर रखा हो आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर हमारी टैक्सेबल इनकम भी 6,40,448, इस 6,40,448 पर हमारा टैक्स बनेगा। तो अब हम न्यू टैक्स स्लैब देखते हैं। 2.5 लाख तक 0, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 7.5 लाख तक 10%, 7.5 लाख से 10 लाख तक 20%। तो यहाँ पर हमारे 6,40,448 के 3 पार्ट होंगे, 0 से 2.5 लाख तक, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, और 5 लाख से जो ऊपर का अमाउंट है उस पर 10%। तो ये टोटल टैक्स बनेगा 26,545। रिबेट अंडर सेक्शन 87A, कोई छूट नहीं मिलेगी। पुराने नियम के अनुसार जबकि छूट मिलती थी, वो भी तब छूट मिलती थी जब आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख तक हो। तो यहाँ पर बैलेंस टैक्स 26,545, इस टैक्स पर 4% सरचार्ज लगता है एजुकेशन एंड हेल्थ का। तो 1,062 ये हो गया, टोटल टैक्स हो गया 27,607 रुपये। रिबेट अंडर सेक्शन 89, अगर आपके पिछले साल का कोई एरियर इस साल आया है तो ऐसी कंडीशन में आपको एक फॉर्म 10E भरना होता है, तब आपको रिबेट मिल जाती है। तो टोटल टैक्स हो गया आपका 27,607 रुपये। एडवांस टैक्स था आपका 5,000, आपको जो है 22,607 रुपये पे करना होगा। तो यहाँ पर हमने नए नियम और पुराने नियम दोनों का आकलन किया है। नए नियम से आपका टैक्स बन रहा है 27,607 रुपये, जबकि पुराने नियम से आपका टैक्स बन रहा था 15,630 रुपये। तो सबसे पहले आपको दोनों टैक्स का आकलन करना है, पुराने नियम से कितना बन रहा है आपका और नए नियम से कितना बन रहा है। जिस नियम से आपका टैक्स कम बन रहा है उस नियम से आपको टैक्स पे करना है। उम्मीद है कि आपको टैक्स पे करने की सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।